हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज का दिन है मौदहा से वापस जाने का। उससे पहले मैं दादी, दादा, अब्बा यानी कि नाना, उनकी कब्रिस्तान पे फातिहा पढ़ने के लिए आया था। रोमा चुप रहे, चल इस गाड़ी में। कल का टिकट हो गया आपका? आ तो नहीं हो अभी? नहीं तो ये रो रहे, कल तो पीछा क्या रहा, क्या कहा था? अभी है अम्मा, आधे घंटे यहाँ पे है। कल कल का टिकट हो गए, हो गए। तो हो गई है सब तैयारी और लास्ट हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। अभी फिर से अम्मा की जगह पे, अम्मा के घर के पास अब यहाँ बैठे हैं। बस अभी निकलने की तैयारी है। आमिर जो है वो गाड़ियों में डीजल डलवाने गया है। बस यहाँ से निकलेंगे और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो, अगर कोविड की सिचुएशन तब नॉर्मल हुई तो इंशाल्लाह फेब मार्च में अगर हुआ तो अम्मी पापा को लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस वक्त ठंड कम होती है। बाकी ये था मौदहा का पूरा ट्रिप। क्यों अरे कीवी, ओ कीवी, जरा जरा सभी ये लो, आ जाओ कल, चलो कल ट्रेन का टिकट, चलो चल बहन, चलो अम्मा, हाँ चलो चलो मांग लो। अच्छा भैया, चलो मांग लो, चलो उसके बाद फिर मैं गया दरगाह, मस्तान शाह बाबा की दरगाह और कमरिया वाले बाबा की दरगाह। जब भी मैं मौदहा आता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मैं हाजिरी दे के ज़ियारत करके जा सकूँ, बहुत सुकून मिलता है। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से और हम यहाँ पे आए थे आज कमरिया बाबा, मस्तान शाह बाबा, बाबा निजामी के यहाँ हाजिरी देने। जब भी मौदहा आते हैं तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि ज़रूर हाजिरी देने आए, ज़ियारत करने आए। तो बस यहाँ से था, यहाँ पे आए थे और अब यहाँ से इंशाल्लाह हम सीधे निकलेंगे झांसी स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन वहाँ से है, हमें कानपुर से इस बार टिकट्स नहीं मिले। तो 4 घंटे का सफ़र है। आमिर हमारे साथ में है, पीछे शालू है, यहाँ दिपी है, प्रतीक एंड अंकित दूसरी कार में आ रहे हैं। कहीं मौका मिलेगा तो बीच में कुछ खा लेंगे, है ना? क्यों अगर नहीं है ना, थोड़ा सा भी कवर करते हैं फिर कुछ खा लेंगे। तकरीबन 100 किलोमीटर आगे होंगे हम लोग मौदहा से, 100 किलोमीटर आगे, 100 किलोमीटर मौदहा से हम लोग 100 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं और गाड़ी का टायर जो है वो पंक्चर हो गया है रास्ते में। अभी सुबह से कुछ खाए नहीं है, सिर्फ 2 पाव खाए थे चाय से के साथ, वो खा के निकले थे। भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है। तो हो गया है पंक्चर रिपेयर, हमने ज़बरदस्त ठक 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 करके पंक्चर रिपेयर कर दिया है। अब हम निकले हैं, अब हम ढूंढ रहे हैं, 6:30 हो गया है, अभी कुछ खाए नहीं है। लो यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग, फाटक बंद। हम थोड़ा जल्दी निकले थे टाइम बचा के ताकि हम कुछ खा सकें, लेकिन अभी नहीं मिला कुछ ऐसा जहाँ बैठ सके। और अभी 15-20 मिनट इसमें चलेगा, अब देखते हैं आगे मौका मिलता है कि नहीं मिलता। कैसे झांक के देख रही है पीछे, सही है ऐसे कर करके। अरे मैंने चश्मा नहीं लगाया तो क्लियर नहीं देख रहा।
अभी हम हैं यहाँ से मोदार से काफी 100-150 किलोमीटर आगे, और यहाँ से 1.5 घंटा आंगन बोल रहा है झांसी के लिए। भाई सुबह से कुछ खाया नहीं, बजाय 6 तो अभी कुछ खा लेते हैं। 4 लेन का इंतजार करते करते हम लोगों ने आधा सफर निकाल दिया, फाइनली 4 लेन आई और हमें बहुत अच्छा सा ढाबा मिला, तो बैठे हुए खाना खाने के इंतजार में है। यस बस ये खाना आ गया है, खाना आ गया। ये रोटी में खुशबू बहुत अच्छी आती है। अचार होगा हाँ, और दही बोला तो हमारा खाना हो गया है। यहाँ पे जब यहाँ से निकलते हैं उरई रोड पे नारायणम होटल है, बड़ा अच्छा खाना है, आप कभी यहाँ से निकले जरूर खाएं। अभी हम चलते हैं फटाक से, ट्रेन का टाइम हो जाएगा, फिर मिलते हैं आपसे बात। और जाते वक्त आमिर काफ़ी इमोशनल हो गया था, तो मैं उसको समझा रहा था कि रात झांसी में रुक के जाना, अभी ट्रैवल मत करना क्योंकि जागे हुए हो। और फिर उसके बाद हम लोग सेटल हो गए ट्रेन में, सब थके हुए थे, सीधे लेटने वाले थे, लेकिन उससे पहले अंकित जो है मेरा वीडियो एडिट कर रहा था, उसके बाद मैं सोने चला गया। कैसी हालत हो गई पूरे ट्रैवल करते हुए, तो वापस कौन भूत बन गया है, हो गए आ गए घर। और ये देखो घर आते ही साथ ये अम्मी ने बना के रखी है खीर, अम्मी चिकन बनाएंगी शाम को। हम लोग के बिना अच्छा लगा इतना दिन? नहीं अच्छा लगा है? नहीं अच्छा, हमें तो बहुत अच्छा लगा। यार तो करते हो गए ना, हाँ खीर बना के रखेंगे, चिकन अभी रखा है, अच्छा शाम को खिलाएंगे। ठीक है, क्या रे यार क्या किया इतने दिन? खेला कूदा, कैसे रहे दिन इतने? शाली उप्पी को मिस किया, कोई काम नहीं हुआ करने को? मैंने सुना तुम प्ले व्ले की एक्टिंग कर रही हो स्कूल में। नहीं नहीं ऐसी ट्रेनिंग किया सब आगे आने की खुशी में। मैंने बोला था अरे हम वहाँ गए हैं बिचौबे एक दिन लेना था हमें, तो वहाँ इतनी भीड़ लग गई और तो की तो पीछे हमने कहा तो मैं कैसे पता, बोली हमने रिजा की फराक से वो चैक वाली से पहचाना और कार से पहचाना। प्ले की तैयारी हो गई, अभी नहीं शाकी से खाएंगे उसके बाद। हाँ भाई क्या हाल, आ गए तभी ठीक, सब अच्छे से खाया? हाँ अच्छे से हो गया सब, न्यास पाती है, सब अच्छे से हो गया। अच्छा हाँ बहुत अच्छे से हो गया। क्या खा रही हो, चाय और रोटी? और खाला के यहाँ से अचार लेके आई थी रास्ते के लिए, रास्ते में तो खाया नहीं, सो गए। ऐसा लग रहा है हाँ वो 2-4 दिन वो हैंगओवर रहता है क्यों, उस माहौल का, उस फील का, उस मौसम का, कहीं से भी आ जाओ घूम के अपनापन। आई थिंक मोदा मुझे मोदा में कहीं, क्योंकि वहाँ लोग भी तो अपने हैं। हाँ हम कहीं जाते हैं वहाँ के लिए नहीं जा रहे हैं, हम अपने ही घर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ से वापस आने का थोड़ा ज्यादा, जैसे वो मामू कह रहे थे कि वो जगह एकदम सुनी हो जाएगी, वैसे हमें भी तो खाली खाली सुनापन लगेगा। चलो कल आ रही है बेटी खाला, अभी रात में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी है रात, दिन में जब मैंने आपसे बात की उसके बाद टाइम नहीं मिला, थके हुए थे थोड़ा, घर पे बहुत दिनों बाद पापा से मिला तो वो सारी चीज़ें, और फिर हम अपने बैठे हैं अड्डे पे, ये फिरोज भाई से आज हम मिल रहे हैं 5 दिन के बाद। फिरोज भाई बोल रहे हैं बहुत बोर हो गए, क्यों? बहुत बोर हो गए, बहुत बोर हो गए, ये 4 दिन हमने 5 दिन हम यहाँ पे नहीं थे, और अब इंशाल्लाह हम निकलने वाले हैं फिर 10 दिन के बाद, तो आप चलोगे साथ में? आप साथ में चलोगे? पक्का ठंड बर्दाश्त होगी, क्योंकि प्रतीक भाई से मौधा की ठंड बर्दाश्त नहीं हो पाई। चलूंगा मैं, चलूंगा जैसे ही मैंने किया प्रतीक थोड़ा घबरा गए थे, क्योंकि प्रतीक की हालत थोड़ी सी कल डाउन हो गई थी, उसको सर्दी, लोगों को हीट स्ट्रोक आता है, इनको कोल्ड स्ट्रोक आ गया था। बहुत कांप रहे थे ये, तो मैंने एकदम से सबने, फूफी बैठी हुई थी उन्होंने, बेटी खाला ने जल्दी से कॉफी बना के वो देसी अंडा बॉईल करके दिया, फूफी ने गरम तेल करके सरसों का पैरों में मला, तो थोड़ी बेड मैंने दवाई दे दी। तो हमने ये प्लान किया है कि अभी अभी हमने ये प्लान किया है कि नेक्स्ट हम जाने वाले हैं जहाँ पे 10 दिन के बाद, वो भी एक बहुत ठंडी जगह है, तो हम प्रतीक भाई को नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हेल्थ कम फर्स्ट। अब जिस इंसान से सर्दी बर्दाश्त नहीं है, अरे मैं आ जाऊंगा, ले जाएंगे ले जाएंगे, मैं हूं। अभी हमने ऑर्डर किए कॉफी, हम कॉफी पियेंगे और फिर उसके बाद घर जाएंगे। कंटिन्यूटी मेंटेन है,
तो गाइस कल रात में कॉफी पी, उसके बाद आके सो गए, फिर दिन भर बिजी रहा और मैं इसका प्रॉपर एंड नहीं ले पाया था इस वीडियो का, तो मैं अभी नेक्स्ट डे इसका एंड ले रहा हूँ। तो गाइस ये था वीडियो और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और सच में दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से आप सब ने मौदा के व्लॉग्स को पसंद किया है, कमेंट किया है, लाइक किया है। और पहला ट्रिप था मेरा मौदा का जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट की बेसिकली, सब इससे पहले भी एक महीने पहले गई थी, हमारा पहला था। तो जिस तरीके से आपने सब अप्रिशिएट किया है, देखा है, पसंद किया, उसका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोनों के ऑलमोस्ट सारे ब्लॉग्स ट्रेंड किए, भले चाहे कुछ देर के लिए किए लेकिन ट्रेंड किए। आप सबको खेत अच्छा लगा, आप सबको खेत अच्छा लगा, आप सबको मेरे मामू अच्छे लगे, मामानी अच्छी लगी, चाय अच्छी लगी, चाय अच्छी लगी, सब कुछ अच्छे से हो गया जिस काम से वहां पे गए थे। तो बस अच्छा रहा ये ट्रिप। अब इंशाल्लाह जल्दी, बहुत जल्दी हमें फिर कहीं और निकलना है किसी और काम से, वो मैं आपको जब निकलेंगे हम आपको तभी बताएंगे हम किस काम से जा रहे हैं, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बस मिलेंगे जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी आप करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पेरेंट्स को प्यार कीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए। और मौदा की सीरीज यहाँ पे ख़त्म। अब इंशाल्लाह आपको मुंबई के व्लॉग्स मिलेंगे आज अभी कुछ देर के बाद, अभी बज रहा है 7:30 रात को, 11 बजे तक इंशाल्लाह नाजा खाला, बेटी खाला, अम्मा, सारा और मामू उनको छोड़ने आ रहे हैं, आ जाएंगे फिर से, सब यहाँ पे हैं और फिर आपको व्लॉग्स देखने मिलते रहेंगे। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।